कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए शासन के निर्देश पर लगाया गया नाइट कर्फ्यू का असर बुधवार को भी देखने को मिला। महानगर के अंबेडकर चौक, छात्र संघ चौराहा, पैटलेगंज तिराहा, सर्किट हाउस रोड, कचहरी बस स्टैंड रोड, जीडीए टावर रोड सहित विभिन्न चौराहों पर कोरोना नाइट कर्फ्यू का मिला जुला असर देखने को मिला, लेकिन लोग बेफिक्र होकर घूमते नजर आए। गौरतलब है कि शासन के निर्देश पर रात्रि 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन महानगर के बेखौफ नागरिक नाइट कर्फ्यू का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं और सड़कों पर तमाम भीड़ भी देखी जा सकती है। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से नाइट कर्फ्यू का पालन कराने में जुटी है। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए 28 जगहों पर बैरिकेटिंग कर वाहनों की चेकिंग किया जा रहा है। महानगर के सभी सीओ, एसएचओ तथा चौकी प्रभारी अपने क्षेत्र में निकलकर कर्फ्यू का पालन करा रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अपना सभी काम निपटाकर 9 बजे तक अपने घर चले जाएं तथा उसके पश्चात अगर कोई नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करता हुआ दिखता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लागू है और उसके लिए सारे सीओ जैसे चो चौकी इंचार्ज सब लोग चेकिंग करते हैं। 28 बैरियर पे ट्रैफिक डिवाइजन की जाती है, जो बेवजह बाहर निकलते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, मास्क का चलान किया जाता है, उन्हें गाड़ियों के सीजर की कार्रवाई भी की जाती है। सर तो टाइम पूरा होने पर दुकानें खुल रहे हैं उनके लिए, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी 188 और महामारी अधिनियम के अतिरिक्त जो भी प्रावधान है उन सब के अंदर उनके विरुद्ध मुकदमा लिखा जाएगा।